स्पीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, और ये खबर फरीदाबाद से है जहां विधायक नरेंद्र गुप्ता पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप दरअसल कांग्रेस नेता लखन सिंगला ने नरेंद्र गुप्ता पर ये आरोप लगाए हैं, बदले की भावना से नरेंद्र गुप्ता काम कर रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस के नेता ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदारों को नगर निगम के सारे ठेके दिलवा रहे हैं। नरेंद्र गुप्ता को जितवाकर फरीदाबाद के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। विधायक साहब सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं, ये कांग्रेस नेता का आरोप है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को धमकाने का नरेंद्र गुप्ता काम भी कर रहे हैं। यानी कि जब स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, फरीदाबाद के लोग उनके पास पहुंचते हैं किसी काम को लेकर के, तो उनको धमका दिया जाता है। और ऐसे में कांग्रेस नेता लखन सिंगला ने नरेंद्र गुप्ता यानी कि स्थानीय विधायक पर आरोप लगाए हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। राजा, सबसे पहले बताइए कि जो विधायक हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस नेता ने कई आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए वाकई में शुभेंद्र, जिस तरीके से जो कार्यशैली है विधायक साहब की, कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी नगर निगम के ठेके हैं, साफ तौर पर उनके पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको सभी ठेके देखे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनके कॉन्टैक्ट में है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं विधायक साहब से काफी ज्यादा नाराज है। वहीं हम बात करें तो काफी ज्यादा जो आरोप लखन सिंगला लगाए हैं, साफ तौर पर ये भी कहा है कि जितने गलियों की बात करें दोबारा तुड़वा के, क्योंकि इंटरलॉकिंग की टाइलिंग, ऐसा आरोप लगाया कि इंटरलॉकिंग टाइलिंग की इनकी रिश्तेदार की कंपनी है, उन गलियों को दोबारा तुड़वा कर वहां पर इंटरलॉकिंग की लॉकिंग की टाइलें लगवाई जा रही है, जो कि इनके रिश्तेदार की कंपनी है, उनके बेनिफिट के लिए लगाया जा रहा है। तो साफ तौर पर पर्सनली अटैक जो लखन सिंगला ने किया है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आरोप लखन सिंगला लगाया है वो वाकई में चिंता का विषय है। जी, लेकिन ऐसे में न सिर्फ जो ठेके देने के लिए आरोप लग रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि फरीदाबाद की जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। वो किसी काम को लेकर के जाते हैं लेकिन वहां पर उनको धमका दिया जाता है। जी बिल्कुल, वाकई में सुबह साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगाए हैं लखन सिंगला ने कि जो भी लोग वहां पर काम लेके काम उसके लिए जाते हैं, और उनके पीओ की बात करें या फिर विधायक साहब की बात करें, तो साफ तौर पर उनको धमकाने का काम यहां पर किया जाता है, जो कि उनके पास रिकॉर्ड भी है। साफ तौर पर जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि आखिरकार आप इतने बड़े आरोप किस एक विधायक पर किस तरीके से लगा सकते हो, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे पास सबूत है और वो लोग हैं जो लोग मुझे आकर बताते हैं। विपक्ष का नेता हूँ, फरीदाबाद से विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ, तो जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों को धमकाया गया, वो लोग आके मुझसे शिकायत भी करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो चीजें हैं वो फरीदाबाद से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता लखन सिंगला ने नरेंद्र गुप्ता यानी कि फरीदाबाद के विधायक के ऊपर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप इस बात को लेकर कि वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने इस बारे में ये भी कहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को नगर निगम के जितने भी ठेके हैं वो दिलवा रहे हैं, और उसका बकायदा उनके पास पुख्ता प्रमाण भी है। नरेंद्र गुप्ता को जितवाकर फरीदाबाद के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई भी स्थानीय लोग अपने विधायक के पास काम के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको धमका करके वापस भेज दिया जाता है, ऐसा आरोप कांग्रेस नेता की तरफ से लगाए जा रहे हैं।